बूंदी में विश्व जल दिवस के अवसर पर माटुंडा ग्राम पंचायत समिति की आदानी फाउंडेशन ने सुपोषण कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के मिथिलेश जैन द्वारा सरस्वती माँ की मूर्ति पर माल्यार्पण से की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मिथिलेश जैन ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अच्छे स्वास्थ्य में जल का महत्व बताया, साथ ही पोषण पखवाड़े की जानकारी देते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं से अवगत कराया। सुपोषण टीम ने कार्यक्रम में विशेष जल दिवस का महत्व बताते हुए लोगों को हिंदी लघु फिल्म एन इन्वेंशन टू वर्ल्ड क्लीन ड्रिंक वाटर के माध्यम से दूषित जल के प्रयोग से होने वाले नुकसान, जीवन में स्वच्छ जल का महत्व, पानी की गुणवत्ता में कमी के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से विश्व एवं भारत में पेयजल की स्थिति, पानी की गुणवत्ता में सुधार, सामुदायिक भागीदारी, जल जनित बीमारियां और उसके रोकथाम के उपाय, दूषित जल से उत्पन्न रोग, पानी में स्रोत के पास जल भराव से होने वाली बीमारियां, पीने वाले पानी को शुद्ध करने के उपाय जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। महेंद्र शर्मा सरपंच माटुंडा ने लोगों को जल के दुरुपयोग को कम करने और सही उपयोग के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग से मिथिलेश जैन, सरपंच माटुंडा श्री महेंद्र शर्मा, आदानी विल्मर लिमिटेड बूंदी से सुरेंद्र पवार, सहायक सचिव सविता, चिड़ी संस्था की सचिव कल्पना शर्मा, आशा कार्यकर्ता गीता गुजर और नीलम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्राएं के साथ अध्यापक और गांव के सदस्य, आदानी फाउंडेशन की टीम मौजूद रही। इस अवसर पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने रैली निकालकर और जल ही जीवन है, जल है तो कल है, पानी पीजो छान के, बेटी दीजो जान के जैसे नारे लगाकर पानी की महत्वता पर लोगों को जागरूक किया। वहीं दूसरी ओर समस्या सुपोषण संगिनी के अपने क्षेत्र में जल योजना, स्वच्छ पेयजल और उचित भंडारण का महत्व विषय पर मीटिंग की। संगिनी ने इसके माध्यम से लोगों को पानी को परंपरागत तरीके से स्वच्छ करने की विधि और पानी के स्रोत को आसपास सफाई की जानकारी वहां जाकर दी। सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।